गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आगे हमने चैप्टर 13 में अन की मात्रा और चंद्रबिंदु की मात्रा सीख गए हैं। अब आज हम अह की मात्रा सीखेंगे। ये है अ और यह है उसकी मात्रा। इसे विषयक भी कहा जाता है। किसी भी अक्षर के बगल में ये डॉट लगेंगे तो उसका उच्चारण क्या होगा? ह, अह। उसमें ह का उच्चार होगा, ह का साउंड आएगा। तब हम अह की मात्रा वाले शब्द देखेंगे। प्रांत ह, ये डॉट है तो उसका उच्चार क्या होगा? ह, प्रांत ह। न म ह, पुन ह, अंत त ह, शने ह, संव त ह, प्राय ह। शने शने तुम पढ़ना, पुनः पुनः याद करना, नम नम सब जपना, दुख में हंसते रहना, प्रांतः जल्दी तुम उठ कर, माता पिता को सिर झुका कर, संवतः पाठशाला जाकर, पुनः खेलना शाम को आकर। रिधिमा प्रांतः 6 बजे उठती है, शने शने पाठशाला जाने के लिए तैयार होती है। वह पुनः पुनः अपना पाठ याद करती है, अंतः खुश रहती है। तो बच्चों, अह की मात्रे में हमें ह का उच्चारण करना है। किसी भी अक्षर के बगल में दो डॉट लगाएंगे तो उसका क्या उच्चारण होगा? ह। आगे अब हम अभ्यास देखेंगे। प्रश्न 1, रंग भरो और लिखो यह किस समय का चित्र है। तो बच्चों देखो, ये किस समय का चित्र है? यहाँ पे सूरज है, पेड़ है, तो आपको ये किस समय का चित्र लग रहा है? सूरज निकला है, तो ये किस समय का चित्र होगा? प्रातः काल का, सुबह का। तो इस चित्र में आपको रंग भरना है। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। क, खाली जगह पेड़ पर बैठा है, तो क्या आएगा? बंदर, बंदर पेड़ पर बैठा है। ख, बाग में खाली जगह उड़ रही है, बाग में चिड़िया उड़ रही है। ग, रिधिमा खाली जगह 6 बजे उठती है, रिधिमा प्रातः 6 बजे उठती है। ग, मोहन खाली जगह फहरा रहा है, मोहन झंडा फहरा रहा है। ड, खाली जगह दाना चुग रही है, तितलियां दाना चुग रही है। प्रश्न 3, जोड़कर नए शब्द बनाओ। अ और ये है त, और इसके बाजू में दो डॉट है, उसको क्या बोला जाएगा? ह, अंत ह, प्रांत ह, अंत तह। प्रश्न 4, सही स्थान पर विषय लगाओ। प्राय, यहाँ पे दो डॉट लगेगा य के बाजू में, प्राय ह, श ने ह, यहाँ पे दो डॉट लगाना है तो क्या बोला जाएगा? श ने ह, पु न ह, न के बाजू में दो डॉट लगाना है, पु न ह, स व त ह, यहाँ पे दो डॉट लगाना है। ओके, तो बच्चों ये अभ्यास आपको अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखना है। थैंक यू।